हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं आपको आइसिश नाम के एक एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी जिसके सीरीज का नाम है लव डेथ एंड रोबोट। हम स्टार्टिंग में रॉब और गेल नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। वे लोग अपने सामान को रख ही रहे होते हैं कि तभी गेल की नज़र एक पुराने फ्रिज पर पड़ती है। फिर वो रॉब को इस फ्रिज के बारे में बताती है और कहती है कि घर के मालिक ने अपना पुराना फ्रिज यही छोड़ दिया है। लेकिन रॉब को ये फ्रिज पसंद आता है और कहता है कि ये फ्रिज हमारे नए फ्रिज से काफी अलग है क्योंकि इस फ्रिज में मोटर ऊपर की तरफ है, लेकिन नए फ्रिज में मोटर नीचे होने के कारण मोटर से जो गर्म हवा निकलती है और मोटर को इस गर्म हवा को वापस ऊपर की तरफ फेंकना पड़ता है जो कि काफी अजीब होता है और इसी कारण से उसे ये पुराना फ्रिज पसंद आता है। मगर गेल इन सारी बातों पर इतना ध्यान नहीं देती और वाइन निकालती है दोनों को पीने के लिए। फिर रॉब फ्रिज का दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन जैसे ही फ्रिज खोलता है वो पूरा हैरान हो जाता है क्योंकि फ्रिज के अंदर पूरा बर्फ जमा हुआ था। रॉब फिर कुछ बर्फ के टुकड़े निकाल देता है और अपने और गेल के ड्रिंक में डालता है, लेकिन इसके पहले कि रॉब अपना ड्रिंक पीता उसे ग्लास में कुछ अजीब दिखता है। रॉब फिर अपने ड्रिंक में से बर्फ के टुकड़े निकाल कर गेल को दिखाता है। गेल भी काफी हैरान होती है और उन्होंने जो देखा वो सच में सही है या नहीं ये देखने के लिए वे लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आते हैं और जब वो दोनों ध्यान से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बर्फ में एक छोटा मैमोथ है। मैमोथ यानी काफी पुराने जमाने का बहुत ही बड़ा हाथी, लेकिन ये काफी छोटा होता है जो ग्लास के अंदर था, लेकिन वो काफी जख्मी था और मारा गया था। अब गेल कहती है ऐसी चीजें फ्रिज में और भी होंगी, जिसके बाद गेल फ्रिज में जमी हुई बर्फ को हटाती है और तभी उन्हें फ्रिज में एक पुराने जमाने की सभ्यता दिखाई देती है। ये पूरी सभ्यता प्राचीन काल की थी जो कि काफी तेजी से विकसित हो रही थी, जहाँ छोटे छोटे लोग अपने रोजाना की जिंदगी जी रहे होते हैं और ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसा रॉब और गेल एक पुरानी सभ्यता को एक फास्ट मोड में बदलते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे फ्रिज का जो एक टाइम रहता है वो काफी फास्ट चल रहा था और इसी कारण से ये सभ्यता भले ही अतीत की थी लेकिन काफी तेजी से इनका समय बढ़ रहा था, पर गेल को अभी भी इन सारी चीजों पे विश्वास नहीं होता है। जिसके बाद रॉब उस छोटे मैमोथ की लाश को अपने घर के एक गमले के मिट्टी में दफना देता है। हालांकि उसे काफी बुरा लग रहा था, लेकिन गेल उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है कि शायद हमारे पेड़ पौधे के लिए काफी अच्छा खाद हो सकता है, इसीलिए वो तैयार होता है। जिसके बाद गेल और रॉब एक बार फिर से फ्रिज खोलते हैं, लेकिन इस बार वापस हैरान होते हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब फ्रिज खोला था तब प्राचीन समय था, लेकिन अभी जब दरवाजा खोलते हैं तब वो 19वीं सदी को देखते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद की सारी चीजें थी, यानी काफी चीजें बदल गई थी, जहाँ पे अब एक पूरा शहर बन गया था। और ये सब कुछ देखकर गेल अपनी थ्योरी बताती है कि फ्रिज में एक अलग ही दौर चल रहा है, लेकिन उसका समय बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये सुनते ही रॉब को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने पूरा एक दौर मिस कर दिया था, यानी उसे मध्य युग को देखना था। मध्य युग यानी 14वें दशक से लेके 17वें दशक का पीरियड। दरअसल ये दौर आर्ट के लिए काफी फेमस हुआ था, यानी इसी दौर में शेक्सपियर ने काफी सारे नाटक लिखे थे जो कि काफी फेमस हुए थे और इन सदी को देखने का मौका दोनों ने भी गवा दिया था। वही इन दोनों के आंखों के सामने देखते ही देखते फ्रिज की दुनिया के लोग और भी डेवलप्ड होते जाते हैं। वही अब इन लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाना भी शुरू कर दिया था और तभी रॉब की नजर दो छोटे इंसानों पर पड़ती है, जिन्हें देख रॉब को लगने लगता है कि फ्रिज के अंदर के लोग इन दोनों को अपना भगवान मान रहे हैं। लेकिन वो दोनों छोटे लोग उल्टा रॉब और गेल का मजाक बना रहे होते हैं, जिनमें से एक आदमी ये भी कहता है मैं इस लड़की के मुंह में अटके हुए ब्रोकोली को देखकर काफी परेशान हो गया हूँ। वही देखते ही देखते उनका शहर और भी डेवलप्ड हो जाता है, जहाँ अब और भी बड़े बड़े इमारतें बन गई होती हैं। यहाँ तक कि इन लोगों ने प्लेन भी बना लिए होते हैं, जिसे देखकर गेल ये कहती है कि जिस डेवलपमेंट स्टेज पर आज की हमारी दुनिया है उसी स्टेज पर अब ब्रिज के लोग भी आ गए हैं। इसी बीच में रॉब की नजर कुछ स्टारबक्स के स्टोर पर पड़ती है, जिसे देखकर रॉब को गेल की बात समझ आती है। इधर रॉब ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन इसी बीच में शहर में आकर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है जिससे फ्रिज में काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन रॉब फ्रिज से काफी नजदीक खड़ा होता है और इसी कारण से वो जमीन पे गिरता और उसका चेहरा काफी लाल होता है। गेल इस बात पर हंस पड़ती है, लेकिन फ्रिज में अभी काफी खतरनाक माहौल था, यानी न्यूक्लियर वॉर हो रहा था, इसीलिए गेल फ्रिज के दरवाजे को बंद कर देती है। इधर रॉब गेल से कहता है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, जिस पर
पर गेल कहती है कि हमें पिज्जा मंगवाना चाहिए। अब वही फ्रिज को बंद किए हुए उन्हें एक घंटा हो जाता है और रॉब कहता है कि हमें एक बार वापस फ्रिज को खोल के देखना चाहिए कि जंग खत्म हुई या नहीं और क्या लोगों ने अपने शहर को वापस डेवलप किया है या नहीं। मगर गेल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ रहेगा, वो सभी लोग दरअसल मारे गए होंगे। लेकिन रॉब फिर जाकर फ्रिज के दरवाजे को खोलता है और जब वो अंदर देखता है तो उन्हें एक पूरा ही टेक शहर दिखाई देता है जो कि भविष्य की दुनिया का था, जहां अब हवा में उड़ने वाली गाड़ियां भी होती है यानी फ्लाइंग कार। वही रॉब और गेल ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि तभी शहर के बीचों बीच अचानक से एक पिरामिड जैसी चीज आती है जो फिर शहर की सारी एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगती है। मगर ये पिरामिड फिर अपने शेप बदल कर डायमंड जैसे दिखने वाला एक किला हो जाता है जो फिर पूरे शहर को अपने अंदर ले लेता है और तभी वहां पे एक धमाका होता है। अब इस धमाके से काफी रोशनी निकलती है जो फिर पूरे घर में इधर से उधर उड़ने लगती है और अपने आसपास की सारी लाइट्स को ऐसे उड़ते हुए देख रॉब और गेल काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब एज अ ऑडियंस हमें समझ आता है कि दरअसल फ्रिज के अंदर रहने वाले लोगों को दरअसल स्पेस एंड टाइम में ट्रैवल कैसे किया जाता है ये पता होता है और इसी कारण से वो लोग अपने टाइमलाइन के समय को काफी तेजी से चला पा रहे थे। और तभी ये सारी रोशनी वापस से फ्रिज में आकर चली जाती है और फिर अचानक से कहीं पे गायब हो जाती है। वही रॉब और गेल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब उस डायमंड जैसी चीज ने सारे लोगों को अपने अंदर खींच लिया होता है, इसीलिए रॉब सोचने लगता है कि फ्रिज के लोग वापस आएंगे भी या नहीं। लेकिन गेल का मानना होता है कि फ्रिज के लोग अब वापस नहीं आने वाले और इसी कारण से मायूस होकर रॉब फ्रिज को ऑफ कर देता है यानी उसका प्लग निकालता है। लेकिन उसे काफी बुरा लग रहा होता है कि अब लोग नहीं आने वाले हैं, इसीलिए गेल रॉब को गले लगाती है, फिर दोनों भी चले जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह आकर फ्रिज का दरवाजा वापस ये लोग खोलते हैं कि इसी उम्मीद में कि शायद उन्हें लोग वापस दिख जाए। लेकिन जैसे ही फ्रिज खोला जाता है फ्रिज से ठंडी हवा बाहर निकलती है यानी और हमें पता चलता है कि फ्रिज के अंदर अब आइस एज है, जिससे उन्हें पता चलता है कि फ्रिज के अंदर अब एक नई टाइमलाइन शुरू हुई है क्योंकि उन्होंने फ्रिज बंद किया था। इसके बाद डायनासोर का समय आता है। इसी बीच में उनकी नजर कुछ एप्स पर पड़ती है जो कि इंसानों के पूर्वज होते हैं, जो कि जिन्हें सेपियन भी कहा जाता है, जिन्होंने एक डायनासोर का शिकार किया रहता है। पर तभी वहाँ एक और डायनासोर आ जाता है जो एक एक करके सारे एप्स को मार देता है और इसी सीन के साथ ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अभी भी कुछ चीजें यहाँ पे बताई नहीं गई है। लेकिन फैंस थ्योरी के अनुसार ये फ्रिज दरअसल हमें ये बताता है कि कैसे इंसानी सभ्यता स्टार्टिंग से शुरू हुई थी और कैसे खत्म हुई। तो वही दूसरी थ्योरी ये है कि भविष्य के इंसान अपने लिए एक अलग डायमेंशन ढूंढ रहे थे जहाँ पे वो जाकर शांति से रह सकते थे। सिंस उन्हें समय में पीछे जाना पता होता है, वो अपनी एक अलग सी दुनिया तैयार करते हैं इस फ्रिज के थ्रू और अपने कुछ रोगों के साथ समय में पीछे जाकर अपनी जिंदगी जीते हैं। इतना ही नहीं, रात में धरती का पूरा जो एक लाइफ स्पैन होता है वो सुबह से शाम तक पूरा ये फ्रिज कवर करता था। जैसे आखिरी में हमने देखा कि कुछ डायमंड जैसी चीज आती है, शायद एलियन, वो आके इस पूरी जगह को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह वापस आइस एज से शुरू होती है सारी चीजें, यानी साइकिल रिपीट होता है। हमें इस एपिसोड में तो यहाँ पे इंसान कैसे आए इसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन इसी शो का एक दूसरा एपिसोड है जिसका नाम था गॉड, जिसे हम शायद गेस कर सकते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। जहाँ पे गॉड के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पूरी दुनिया के क्रिएटर को, जो कि एक बुजुर्ग आदमी होता है, साथ ही वो लोग कुछ होमोसेपियंट लोगों को देख रहा होता है जो कि आग जलाने की कोशिश कर रहे थे और तभी उनमें से एक आदमी आग जला भी लेता है। लेकिन उस बुजुर्ग आदमी को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि इंसानों को अभी भी 200,000 साल लगने वाले थे आग को जलाने के लिए और इसीलिए वो बुजुर्ग आदमी जॉफ्री नाम के अपने बटलर से कहकर ये आग बुझवा देता है। इसके बाद ये बुजुर्ग आदमी उन सारे लोगों को गुफा के अंदर भिजवा देता है, पर फिर ये सारे लोग बाहर आकर नाचने लगते हैं ताकि उनके ऊपर बारिश हो सके और ये देखकर बुजुर्ग आदमी उन्हें मार देता है। यानी इसके थ्रू हमें बताने की कोशिश की जा रही थी कि शायद उस फ्रिज का ओनर गॉड ही रह सकता है, जिसने एक अलग सभ्यता को जानबूझ के फ्रिज के अंदर डेवलप किया था जो कि पूरे एक दिन तक सारी चीजें रिपीट करता था, जिसके बाद वापस से शुरू होता था। और यही चीज गेल और रॉस देख लेते हैं और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। बाय।